हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1642 ईस्वी में कैलकुलेटर का आविष्कार जो है पास्कल ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जेपी एरकट ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM PC का आविष्कार किसने किया? तो IBM PC का आविष्कार जो है विलियम सी लायथन ने किया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहां पर रखता है? तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित जो है वह मेमोरी में रखता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो रैम का विस्तृत रूप जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में बटनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या जो है 101 होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। आपको कहीं कहीं कीबोर्ड में 104 बटन या 108 बटन भी दिखेंगे, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 108 दिखता है या 104 दिखता है तो आप उसे लगा सकते हैं, नहीं तो जो कीबोर्ड का जो मेन होता है वो होता है 101 ही बटन होता है, इसे याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो रोम का विस्तृत रूप जो है रीड ओनली मेमोरी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड का दूसरा नाम जो है कुंजी का पटल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होता है? तो फाइल एक्सटेंशन में 3 कैरेक्टर होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर कौन है? तो बाइनरी नंबर जो है कंप्यूटर में 0 और 1 होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB कितने बराबर का होता है? तो 1 KB का मतलब जो है 1024 बाइट होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है वह यूनिवेक था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। यूनिवेक जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, वायरस क्या होता है? तो वायरस जो है एक प्रोग्राम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का IC चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का IC चिप जो है सिलिकॉन का बना होता है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह इंटरनेट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है?
तो कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया जो है यह लॉग आउट कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है परम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, परम पद्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? तो कंप्यूटर के मशीनी उपकरण जो है उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश जो है ईमेल कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर अशुद्धियाँ जो है बग कहलाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क का स्पीड जो है 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का जो पूर्ण रूप है वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का जो पूर्ण रूप है वह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो है डेस्कटॉप कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का अर्थ क्या है? तो www का जो अर्थ है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है अबाकस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप क्या है? ALU का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो फाइल का नाम जो है अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? तो Y2K जो है समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो एशिया का दूसरा बड़ा कंप्यूटर जो है परम 1000 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, IBM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो IBM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है।